फाइनली अपनी गाड़ी अनरैप हो चुकी है। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। अभी ना सब सो रहे हैं और मैं भी उठाऊँ बिकॉज मेरा ना पेट खराब हो गया। कल शादी में इतना ज़्यादा खा लिया, अब हो गया भाई पेट खराब। तो अभी नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई आसपास कैमेज देखने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक बनाना शेक पीऊँगा एंड आई होप कि उसके बाद सही हो जाए, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होती है आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो ना और आपका पेट खराब हो जाए। एक तो प्यूकिस सा भी फील हो रहा है, ऊपर से पेट खराब हो गया। बाकी सब अभी सो रहे हैं, ये लोग अभी तक उठे नहीं हैं क्योंकि अब पता नहीं ये दोनों रात को क्या कर रहे थे अब ये भगवान ही जाने। और कल ना इस GoPro ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अब किस वे में हेल्प करी? कल मैं शादी में गया था और मैं बड़ा कैमरा कैरी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर बड़ा कैमरा कैरी करता ना तो लोग सोचते कि मैं शादी शूट करने आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा इतना ज़्यादा ह्यूज है, इतना ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने GoPro से शूट किया था, तो एक क्यूट सा अच्छा सा व्लॉग भी बन गया और मैंने आपको भी दिखा दिया कि हमने शादी में क्या किया। तो GoPro इज़ अ गुड, ठीक है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है लेकिन जब तक आपका पर्पज़ सॉल्व हो रहा है ना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और भैया एक वो बना दो बनाना शेक, बड़ा मीडियम, मीडियम बनाना। और सुनो उसमें चीनी कुछ मत डालना, चीनी जूनी कुछ मत डालना। खाने की तलाश हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा कि खाना कहाँ से खाएं। यहाँ पे ना बहुत सारी दुकानें हैं, बस हमें देखना है कि खाना अच्छा मिल जाए। ठीक, यहाँ पर एक दुकान है सोनम फूड कॉर्नर, या तो वहाँ जाएंगे जब यहीं चले। यहाँ मेरे को लगता है सिंपल सा खाना मिल जाएगा, थोड़ी टाइम भाई का शरीर ही ऐसा हो जाएगा भाई भाई छोड़ दिया कर फोन, छोड़ दिया भाई। कैसा रहता सारा टाइम, कैसे रहता है ये? उसके पास लड़कियां इतनी सारी बात तो करेगा बेचारा यार हमारे पास होती, हम भी करते ना, मैं ना करता। लोगों को गलत फहमियाँ पड़ी हुई है, मेरे पे लड़कियाँ यहाँ पे एक भी नहीं है। और तू बदनाम कर दे, दिखा तू फोन पे काम कर रहा हूँ। कौन सा काम क्या मेरा काम क्या है? चले काम कर, तू बता दे क्या काम है तेरा, लोगों को बता दे, क्या पता किसी ने करना हो कुछ तो खरीद लेगा। कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो गुची हो, लुइस विटॉन हो, फेंडी हो, अरमानी एक्सचेंज, उसका करंट आर्टिकल भी स्टोर पे पड़ा है ना, मैं वो तक अवेलेबल करा दूंगा। अगर उसका प्राइस है सपोज बैलेंसियागा 70,000 का, वही सेम बैलेंसियागा कोई भी कलर 10,000, 12,000 या 15,000 के आसपास, विद ओरिजिनल बॉक्स, पैकिंग, एवरीथिंग। गुची भी हर बिल तक प्रोवाइड कर दूंगा मैं हर चीज। तो इसे कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको कुछ भी लेना होगा। और बाकी प्लीज यार कॉल्स तभी करना अगर इससे बात करनी होगी, मेरे से बात कराने को कॉल्स मत करना इसे। अब जो हमारी गाड़ी है ना वो बहुत गलत जगह खड़ी हुई है और हमने पहने काले कपड़े, तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। Hello? तो अब हमें यहाँ से जंप मार के जाना पड़ेगा। मैंने खोली गाड़ी, ठीक। अबे तभी तो तेरे कपड़ों की ऐसी तैसी हो गई, ये देख पीछे देख। मैंने करी है, पहले गाड़ी चला, ये कह रहा मुझे दे दे गाड़ी। कौन कह रहा? ये रमन, इसे पूरी जिंदगी ना तू भाई जी इसे दे मत देना गलती से गाड़ी, पागल है। पागल है ये, पागल। ये देखो फिर फोन दो, भाई छोड़ दे फोन, छोड़ दे गाड़ी, फोन में वही गाड़ी आपका सही था। कौन सा गाड़ी? क्या कह रहे हो भैया? वो वाला, वो बैंगनी रंग वाला, वो आ जाएगा आज। थार वो सर, आज दूसरी गाड़ी आएगी थार, बाकी सब बेकार। आज हम नई थार लेके आएंगे, ब्लैक वाली, ठीक है, ब्लैक वाली। आज हम नई थार निकालेंगे, ब्लैक वाली। होंडा सिटी चला के पता कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जमीन में बैठ के चला रहा हूँ। ये थार भाई इतनी ऊंची है। वैसे कोई सही कहता है, एक बार अगर आपने SUV चला ली ना तो दूसरी गाड़ी चलानी बड़ी ऊंची हो जाती है। बहुत ज्यादा डाउन है ना ये गाड़ी, बहुत ज्यादा। दूसरी गाड़ी से अगर आप स्विफ्ट भी चला लो वो भी थोड़ी ऊंची है। सेडान है, सेडान है। फाइनली वी आर बाइंग अ न्यू थार टुडे, नई थार आने वाली है गाइस। पर नो डाउट होंडा सिटी का ना ये ये बढ़िया फील है इसकी ना, पूरे हैंडल की और ये जो क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, राइट ले ले तो, राइट ले ले तो सेड दे अंदर, पा दे अंदर। वैसे जो मर्जी कहो, जो ये होंडा सिटी का आगे काम जाम है ना, प्रॉपर इंटीरियर है एंड लेवल चीज है, एंड मुझे बढ़िया लगा इंटीरियर। स्टीयरिंग व्हील में स्टीयरिंग का और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा है। देख तू जैसे रेस देगा ना तो यहाँ पे देख ब्लू आएगा और अभी ग्रीन है, रेस दे भाई क्या फिल्म है ये भाई साहब, फोन फोन फोन, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी फोन में।
गाइस मत करना कुछ भी ऑर्डर, जो मैं आपको बता रहा था ना नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया, कुछ ऑर्डर मत करना, फोन में घुसा रहेगा आपका, ऑर्डर भी रिसीव नहीं करेगा, यही होगा मुझे लग रहा है। ऑर्डर ही भेज रहा हूँ भाई, कैलिफोर्निया भेजना है, कैलिफोर्निया भेजना है, तेरे से लेंगे ऑर्डर कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया वाले से ले रहे ऑर्डर भाई। वहाँ पे अच्छे वो नहीं है ना, क्या नहीं है वहाँ पे, अच्छी ब्रांड्स नहीं है कैलिफोर्निया में, डॉलर्स नहीं अच्छे, यहाँ पे इंडिया में अच्छे बैठे थे ऑनलाइन सीधा। रमन ये देखिए ये शर्ट मिल जाएगी, रमन ये चाहिए भाई, ये वाली टी शर्ट दिलवा दे, ये बस मिल जाएगी, बस दिलवा दे फर्स्ट कॉपी। अरे मेरे को वो दिलवा दे रमन, फर्स्ट कॉपी वे प्रोटीन, वे प्रोटीन मिल जाएगा फर्स्ट कॉपी, यूएसए से आता है वे प्रोटीन, फर्स्ट कॉपी सही होता है, रो नहीं तो सही होता फर्स्ट कॉपी वे प्रोटीन। कुछ नहीं होगा, सब बाहर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मतलब पेंट जैसा था ना वैसा का वैसा ही है पेंट, और बस यार वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से हो जाए, भैया ने 7 बजे का टाइम लिया था, मेरे को लग नहीं रहा कि 7 बजे तक होगी कि नहीं होगी, बस यही दिक्कत है क्योंकि गाड़ी चाहिए और देहरादून भी निकलना है, और भाई यार ये लोग हर जगह म्यूजिक क्यों बजा देते हैं यार। और जो गाड़ी में बेसिकली काम बचा है ना वो ये बचा है कि जो ये है अपना साइड वाले, ये अपना ब्लैक होने हैं, ये एक्चुअली इस पर रैपिंग हो नहीं सकती, तो ये हमने पेंट कराया था ये और ये वाले, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी जो ग्रिल है, ग्रिल पेंट होने जा चुकी है भाई, कितना यूज करेगा फोन। दिल्ली में इतना ज्यादा जाम है ना भाई, परेशान हो गया यार जाम के चक्कर में, और ये घंटियां बजा रहा है टिंग 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 टिंग, तो मत देख यार, अभी सिर दर्द हो रहा है भाई, फोन फोन फोन, यू आर नॉट गेटिंग ओवर फ्रॉम द फोन मैन। ओके मैन, सो मच इंग्लिश इन वन वर्ड मैन, कह रहा सो मच इंग्लिश इन वन वर्ड। ये आए थे हमारे से ऊपर पार्टी करने, इन्हें समझाओ इतनी इतनी दारू पीते हैं लोग, रमन मत पी आकर भाई, देख ले सीख ले, क्यों नहीं पीते, क्यों नहीं पीते सर? सर हम शुरू से पीते हैं सर, 20 साल हो गया दिल्ली में हमने। आप हो कहां से वैसे? हम झारखंड से हैं। अच्छा बेसिकली आप झारखंड से? ओके ओके ओके। अच्छा गाड़ी की चाबी लेने आए हो? हां चाबी ले। चलो यार ठीक है, कुछ खाना होगा तो बता देना। नहीं सर, आज तक मुझसे पूछा खाने के लिए? क्या मुझसे पूछना है सर? भाई अच्छे बंदों से पूछते हैं हम ये चीजें, गंदे बंदों से नहीं पूछते। ओके सर, सारा टाइम फोन पे लगा रहता है फिर कहता हमसे नहीं पूछते कुछ, तेरे फोन से बाहर भी तो कोई एक दुनिया होती है, फोन से बाहर भी एक वर्ल्ड है ब्रो, शरीर से बड़ा हो गया ये, दिमाग से है छोटा का छोटा, इतना बड़ा हो गया भाई, ज्यादा बड़ा हो गया शरीर से, ये है 20 साल का लगता, कितने साल का ये? 30 साल, 30 साल का, 30 साल शादी होने लड़की रिश्ता आने का, कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट रमन। 11:30 बज चुके हैं और अभी मेरे को ना रैपिंग वाले भैया की कॉल आई है कि भाई गाड़ी टोटली अनरैप हो चुकी है, और जो पेंट जॉब बची थी, जो आगे की ग्रिल होनी थी और साइड वाले वो थोड़े से लॉक पेंट होने थे, वो पेंट हो चुके हैं और गाड़ी हो चुकी है एक नंबर। तो भाई फाइनली जान में जान आई, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे थे कि भाई गाड़ी हो जाए हो जाए, हम कब से वेट कर रहे हैं ना कि गाड़ी, सुबह से वेट कर रहे हैं एटलीस्ट कि गाड़ी हो जाए, हम अपनी गाड़ी पे घूमे, बट हमने दमन भाई की गाड़ी ली हुई है, दमन भाई ने मतलब गाड़ी दी हुई है, बता चुके हैं बार बार क्या बताना यार, रमन भाई भी थोड़ा इसमें आ जाएंगे। तो अब देहरादून का जो प्लान है वो कल शिफ्ट हो चुका है, कल हम अराउंड निकलेंगे 7-8 बजे, किसी भी हालत में हमने देहरादून निकलना है, इसने 7-8 बजे, हाँ 7-8 बजे, हाँ हाँ 7-8 बजे भाई, डन डन है ना, फिर डन सीन डन सीन डन सीन, नो नो इन शाम को ब्रो, यू नो ना आई कांट गो इन मॉर्निंग, बाकी सीन डन है, पक्का वाला डन है, इन्होंने कल चंडीगढ़ जाना था पर चंडीगढ़ जा नहीं पाए, मोबाइल पे लगे हुए हैं गाइस, इसका क्या इलाज करें, अगर इसका फोन खो गया ना जिस दिन, इसे हार्ट अटैक आ जाएगा, फोबिया होता है बंदे को, इसको फोबिया है। और भाई मेरे को तो समझ नहीं आता है रात को सोता भी कैसे है बिना मोबाइल चलाए, इसका बस चले ना सोए भी ऐसे। हाँ भाई पर वो तो कर दो अपना पेट डायलॉग, 1 2 3 गो, आई नीड भाई जी, बहुत एक बार रमन एक बार तू कर दे, 1 2 3 गो, आई नीड, क्या हो ये क्या फटी हुई आवाज में, पाजी एक बार ढंग से करके दिखाओ, जैसे सिखाओ पहले, पाजी पहले सिखाओ, पाजी सिखाओ, आओ पाजी सिखाऊंगा आपको मैं, चलो पाजी के क्लोज तो जाओ, उधर हो पहले, उधर जा पाजी, चलो पाजी की पप्पी ले लो। चलो अब बोल भाई, आई नीड, आई नीड, आई नीड, बोलियो भाई बड़का, तू बोलियो, इट्स आई नीड, आई नीड, बोल दो ढंग से तो बोल, आई नीड, आई नीड, बढ़िया था बिल्कुल भाई। अब भैया पाजी अब आप एक चीज देख लेना, मतलब
जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, कभी सैड सॉन्ग आते हैं ना, अब लोग प्रमोशन कराते हैं, अरिजीत सिंह का गाना आ रहा है तो रमन उसका प्रमोशन करता है, क्योंकि रमन, अरे नहीं बता रहा हूँ कैसे, मतलब अपनी स्टोरियों में इतने सैड सॉन्ग डालता है ना, इतने सैड सॉन्ग अपने आप ही प्रमोशन हो जाता है। अब जैसे अब आपने अपना डायलॉग बताया ना आई नहीं, मैं बता रहा हूँ ये आपका डायलॉग वर्ल्ड वाइड फेमस कर देगा, पूरे देहरादून में ना लोग आई नहीं के नारे लगा रहे होंगे और कुछ नहीं बोल रहे होंगे, है रमन कुछ भी होगा, आवाज गाने बना लो, आई नी आई नी आई नी आई सही है सही है सही है सही है मैं तो कह रहा हूँ भाई चैनल का नाम भी आई नहीं कर दो। फाइनली अपनी गाड़ी अनरैप हो चुकी है, तो जो मेन डर था ना वो था कि भाई गाड़ी के पेंट में दिक्कत ना आए। तो यार मैंने भाई को भी बोला था, मैंने कहा भाई रैप तो उतार दोगे पर ऐसा ना हो कि गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाए, या गाड़ी की जो एक शाइन है या गाड़ी की एक लुक है वो भी खराब हो जाए। तो भाई ने मेरे को कहा था कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता, अगर आप अच्छी क्वालिटी का रैप लगाते हो और उसको रिमूव करते हो तो शायद 1% चांस, 1 या 0% चांस होते कि आपका पेंट खराब होगा, और वही हुआ, पेंट बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, जो गाड़ी की शाइन थी जैसी थी सब कुछ सेम है। और थैंक यू सो मच भाई, मतलब गाड़ी का जो रैप हटाया, और रैप हटाने का बस ये रीजन था कि बहुत ज्यादा चलान कट रहे थे और मैं परेशान हो रहा था, मैं खुल के ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरा चंडीगढ़ जाने का बहुत मन होता है, और चंडीगढ़ में भाई आपको पता है चंडीगढ़ में तो घुसते सारी चलान वाला सीन है, तो एक ये भी रीजन था। तो गाइज आपको सिरमिक करानी हो, पीपीएफ करानी हो, रैपिंग करानी हो, कुछ भी कराना हो तो आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आज का व्लॉग अभी भी एडिट किया और इतना मतलब कैड़ा व्लॉग बनाया ना भाई, हम तो हंस के पागल हो गए जो एडिटिंग करी है, जो हंसी मजाक करा, बाकी इसको सीरियसली मत लेना, कोई मतलब ऑफेंड भी मत होना कि भाई किसी का मजाक उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो भाई इट्स जस्ट फॉर फन, जिसका भी मजाक उड़ा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, और तेरे को भी कुछ बोलना है? मेरा तो सभी मजाक उड़ाते हैं, तूने उड़ा दिया कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। और एक काम करो, एक छोटा सा काम कर दो, अगर एंड तक ब्लॉग देख रहे हो ना तो इंस्टाग्राम मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम को, और इधर इसका इंस्टाग्राम मेंशन कर रहा हूँ, और इसको जाके ना मैसेज करो कि अभी तेरा और मजाक उड़ेगा, अभी तो शुरुआत है, तो जाओ और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ।